मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज है 6 मई 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की त्रयोदशी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या के रामलला पहुंचे और श्री राम के दर्शन किए। उन्होंने रामलला के दरबार में साष्टांग दंडवत किया, इसके बाद पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इस दौरान मंदिर में आम भक्त भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो किया। मोदी के इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई, लोग मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे थे। दरअसल आपको बता दूं, अयोध्या के जरिए पीएम ने अवध की 9 लोकसभा सीटों पर वोटरों को साधने का प्रयास किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार शाम 4 मई एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। इस हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक जवान की जान चली गई। वहीं एक जवान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दूं, हमला पुंछ के साहस सितार इलाके में शनिवार शाम 6:15 पर हुआ। 4 आतंकियों ने सनाई टोप जा रही सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों पर फायरिंग की। इसमें से एक वाहन एयरफोर्स का था। हमले के बाद आतंकवादी जंगल में भाग गए। उनके हाथ में AK असोल्ट राइफल्स थी। वहीं एयरफोर्स की स्पेशल गुरुड फोर्स आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस अब सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहीं सेना के जवानों ने कहा है कि आतंकवादी चाहे किसी भी कोने में छुप कर बैठे हैं, वह अब ज्यादा समय तक अपने आप को नहीं बचा सकेंगे, करारा जवाब मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, देश की एक और बड़ी खबर, भाजपा और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में शनिवार को सूरत के एक मौलवी मोहम्मद सोहेल उर्फ अप्पू बकर तिमोल को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के निशाने पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह, हिंदू सनातन संघ चेयरमैन उपदेश राणा और सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के थे। सूरत पुलिस के मुताबिक 27 साल का मौलवी मोहम्मद साहिल मदरसे में टीचर भी है, जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान के डोंगर और नेपाल के शहनाज के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। व्हाट्सएप चैट में वह भारत में नबी की गुस्ताखी में दखल दिए जाने और ऐसे लोगों को सीधा करने की बात कर रहे हैं। उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी की भी चैट में चर्चा हुई है। और अब हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में शनिवार को सूरत से इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह हुए कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले में हुए इस सड़क हादसे में 2 बच्चे भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कार सवार झुंझुनू के नवलगढ़ का परिवार रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा रहा था। रविवार सुबह 8 बजे सवाई माधोपुर थाना क्षेत्र में बनास पुलिया के पास उनकी कार एक ट्रैक्टर से भिड़ गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। चिंता का विषय यह है कि प्रदेश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में आए दिन लगातार इजाफा हो रहा है, यानी कि राजस्थान की सड़कें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सड़क हादसों में कमी नहीं हो रही है और परिवहन विभाग का फोकस केवल राजस्व वसूली में ही है। दरअसल सड़क हादसे रोकने के लिए भारी भरकम बजट भी जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क हादसे कम होने की बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में कई तरह की बाधाएं एवं नियम बनाने के साथ ही श्रमिकों की मजदूरी, अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम होने पर श्रमिकों का मोह भंग होता जा रहा है। वहीं मनरेगा में श्रमिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या काम पूरा करने वाले श्रमिकों की भी दिहाड़ी कटकर आने से समस्या आ रही है। मनरेगा में राजस्थान में प्रति श्रमिक 266 रुपए दिहाड़ी है, जबकि मेट की मजदूरी अभी भी 255 रुपए है, जबकि अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 285 रुपए है और बाजार में अकुशल श्रमिकों को 500 से 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाते हैं। और गांव में भी फसल कटाई व सब्जी तुड़ाई की दर 400 से 450 रुपए प्रतिदिन है। पैसा भी तुरंत मिल जाता है, लेकिन मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन होने के साथ ही भुगतान कई बार कई माह गुजारने के बाद भी नहीं आता, जिसके चलते श्रमिक कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायतों के चक्कर काटते रहते हैं। इसीलिए श्रमिकों का अब मनरेगा से मोह भंग हो रहा है। वहीं मनरेगा मजदूरों को बाकी राज्यों की तुलना पैसा भी कम मिल रहा है। हरियाणा की बात करें तो वहां मनरेगा मजदूरी 374 रुपए है, यानी
कि कम मजदूरी मिलने की वजह से भी अब श्रमिक मनरेगा से दूरी बनाने में लगे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर राज्य की। भजनलाल सरकार में मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खेरवाड़ा कॉलेज में प्रथम वर्ष BSc का छात्र है, साथ ही में कैटरिंग का काम करता है। आरोपी की शिनाख्त जितेंद्र कुमार अहारी के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने राजनीतिक व्यवस्था में मंत्री को धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने किसी सियासी दल का नाम नहीं लिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही में पुलिस की ओर से बताया गया कि जिस अकाउंट से मंत्री को धमकी दी गई थी उसे 1 मई को ही बनाया गया था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक बार फिर बड़ी अपडेट आई है। बड़ी खबर यह है, 12वीं का रिजल्ट इस बार करीब एक सप्ताह देरी से जारी होने की संभावना है। परीक्षा के बीच लोकसभा चुनाव के आ जाने की वजह से परिणाम जारी होने में सप्ताह भर की देरी होने की संभावना है। वहीं 10वीं का रिजल्ट भी पिछले साल की तरह जून के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। अब बड़ी अपडेट यह है, बोर्ड के अनुसार सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट 20 मई तक और सेकेंडरी का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अब आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 7 मई को पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर बीकानेर संभाग में दिन का तापमान 45 डिग्री से अधिक जा सकता है। इस दौरान हीटवेव यानी कि गर्म लू चलने की संभावना है। वहीं 8 और 9 मई को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, कोटा, 12 जिलों में भी हीटवेव की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश समेत पूर्वी भारत के जिलों में एक नया वेदर सिस्टम 8 मई को एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर 9 मई से मौसम में बदलाव आएगा और यहां आंधी चलने की संभावना है। वहीं उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अब गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और आगामी 2-3 दिनों तक उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई जिले हीट वेव की चपेट में रह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। नेट की परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे MBBS स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा कर एग्जाम दे रहा था। पुलिस ने उसके साथ 5 अन्य साथियों को भी अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके का है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। इससे पहले बाड़मेर, जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा चुका है और अब हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दरअसल मामला नागौर में मतदान के दिन कुचेरा में हुई झड़प से जुड़ा है। इस पूरे मामले की जांच CID और CB करेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।